को सच कहने का साहस रखते थे। दल, नीति, व्यक्ति, जो कोई भी किसान विरोधी रहे उनके प्रखर आलोचक रहे वो। राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखा और यही कारण है कि उनका राजनीतिक जीवन संघर्षों में कटा। धैर्य के महासागर रहे और आशा के पर्याय रहे। 10 एक शतक के साल में शिकंद और चुनौतियों की बेबसी शायद हमारे चेहरे पर नजर आई, लेकिन उनके चेहरे पर कभी नजर नहीं आई। हर पिता की मौत में संतान की मौत होती है और मैं उस गजल को इस सदन में पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारी कब्र पे मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पे मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, क्योंकि मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। मेरी आंखें तुम्हारे मंजर में कैद हैं अब तक। मैं जो देखता हूँ, सोचता हूँ, वही देखता हूँ जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामियों की दुनिया थी। सभापति महोदय, इस सत्र के सदन में मैं पहली बार बोल रही हूँ और शिक्षा पर आज हम वाद विवाद कर रहे हैं। जीवन में परिस्थितियाँ सिखाती हैं, चुनौतियाँ सिखाती हैं, स्ट्रगल्स एजुकेट करते हैं, ऑडशिप्स और बिट्रेल्स आपको वाइज बनाते हैं, डिफ़िकल्टीज जीवन में आपको मैच्योर और करती हैं, और बहुत सारे लोग आपको मेंटोर करती हैं। माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर मी। माय मदर वाज दैट अम्ब्रेला व्हिच केप्ट अस सेफ एंड सिक्योर ड्यूरिंग दीज टर्बुलेंट टाइम्स। बट माय डैड वाज माय रियल हीरो विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट एंड विल ऑलवेज बी। I will start by paying a tribute to my late father, Shri Mahipal Madena, in this house. इस सदन के प्रथम दिन अध्यक्ष महोदय जब शोकाभ्यक्ति पढ़ रहे थे, मेरे पिता की और मैं सुन रही थी, जज्बात इस कदर पेचीदा हुए और मैं सोच रही थी कि कितनी अनफॉर्चुनेट, कितनी अभागन हूँ कि इस पल में सुन रही हूँ। शायद किसी और बच्ची को इस दौर से, इस समय से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि अपने को खोने का दर्द क्या होता है। लेकिन उसी क्षण मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज भी महसूस कर रही थी कि कितने विश्वास के साथ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी देकर गए हैं कि मैं इस सदन में बैठकर उस शोक का व्यक्ति का हिस्सा बन रही। और जब मैं शाम को गई कलम लेकर कागज पर अपने जज्बातों को उतारने के लिए, तो अल्फाजों के पिटारे में मुझे शब्द नहीं मिले। और निदा फाजली की गजल मुझे उस वक्त याद आई, वो जब यूरोप में पढ़ने गए, उन्होंने अपने पिता के ऊपर लिखी, तो यूरोप की एक लेखिका ने उनसे कहा कि आप अपने पिता के मरने पर अभी भी लिखते हैं। तो निदा फाजली ने कहा कि मैं जिस तबीयत से आता हूं वहां पिता कभी नहीं मरती। हर पिता की मौत में संतान की मौत होती है और मैं उस गजल को इस सदन में पढ़ना चाहती हूं। तुम्हारी कब्र पे मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पे मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, क्योंकि मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। मेरी आंखें तुम्हारे मंजर में कैद हैं अब तक। मैं जो देखता हूं, सोचता हूं, वही देखता हूं जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामियों की दुनिया थी। कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूं, मैं बैठा हुआ तुम्हें अपनी ही कुर्सी पर पाता हूं। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लर्जिश और नाकामियों के साथ बहता है। तुम्हारी आवाज मेरे जहन में बोलती है, मेरे जहन में रहती हैं, मेरी लर्जिशों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं और तुम मुझ में यहां जिंदा हो। चाटुकारिता की राजनीति से कोसों दूर, सच को सच कहने का साहस रखते थे। दल, नीति, व्यक्ति, जो कोई भी किसान विरोधी रहे उनके प्रखर आलोचक रहे वो। राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखा और यही कारण है कि उनका राजनीतिक जीवन संघर्षों में कटा। धैर्य के महासागर रहे और आशा के पर्याय रहे। 10 एक शतक के साल में शिकंद और चुनौतियों की बेबसी शायद हमारे चेहरे पर नजर आई, लेकिन उनके चेहरे पर कभी नजर नहीं आई। उन्होंने मुझे कर्ण की एक किताब महामृत्युंजय दी। कर्ण में विश्वास रखते थे वो। कर्ण वही था जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के बाद भी छल से मारा गया था, जिसका पहिया धसा और फिर उसके ऊपर कृष्ण ने कहा था
अर्जुन को कि आप वार करो, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि उस युद्ध भूमि के जीत के लिए कर्ण का मरना अनिवार्य था। इसलिए मैं बड़ी दृढ़ता से विश्वास करती हूं, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, कर्तव्य और कर्म की चुनौती उन्हें स्वीकार थी। द व्हील ऑफ लाइफ एंड लक वर वेरी हार्ड ऑन हिम, बट मौत के मंजर को भी उन्होंने आंख में आंख डालकर देखा। ही वॉज अ ट्रू फाइटर। आई सल्यूट हिम एंड आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ महिपाल मदेना एंड दिस इज वॉट विल ड्राइव माई लाइफ फॉरवर्ड। मैं उनकी आवाज और दूत बनकर काम करूंगी। इट्स एन इनक्रेडिबल लॉस फॉर अस, जान चली गई लेकिन सांसें रह गई। दिल तेरे गम को सह गया कैसे, दिल तेरे गम को सह गया कैसे, आग में फूल रह गया कैसे।